myself Mraduljan from ABES engineering college today we will discuss different type of lattices let us start isomorphic lattice two lattices one is L1 and L2 are called isomorphic lattices if there is a bijection from L1 to L2 that is there exists a mapping f from L1 to L2 सच दैट एफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी सिमिलरली एफ ऑफ ए और बी इक्वल टू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यहाँ पर एंड और जो है वो क्या चीज़ है ये मेरे यहाँ पर कि अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये मेरा और है तो मैं इसकी क्या बात करूँगा कि ये मेरा और को जो है वो मैं किससे रिप्रजेंट करता हूँ एल यू बी ठीक है और एंड जो है वो मेरा क्या होता है GLB एंड जो है वो क्या होता है GLB तो अगर इस टाइप की कंडीशन मेरे फुलफिल कर रहे हैं किसी भी लेटेस्ट में मेरी ये कंडीशन अगर फुलफिल कर रही है तो मैं ये कह दूंगा कि ये दो लेटेस्ट जिनको मैं कंपेयर कर रहा हूं एल और एल वो दीज टू तो लेटेस्ट आर आई टू ईच अदर सपोज करो कि यहां पर एक मुझे ये फिगर दिया हुआ है ये दो फिगर हैं यहां पर ये लिखा है वन टू थ्री एंड फोर और यहां पर ये फिगर के स्ट्रक्चर आप देखोगे कि कुछ अलग अलग हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी और डी और मैं कह रहा हूं कि ये दोनों मैफिक के दोनों आ, लेटेस के बीच में एक मैपिंग एग्जिस्ट करती है जो बाइजेक्शन है और मेरी ये कंडीशन अगर फुलफिल करती है तो मैं कह दूंगा कि दीस टू लेटे आर आईसो टू ईच अदर यहां पर देखो मैं इनको किस तरीके से कंपेयर कर रहा हूं कि ए जो एलिमेंट है ये मेरा यहां पर है इसको मैंने किससे कंपेयर किया वन से तो यहां पे एक मैंने मैपिंग बनाई ए कॉमा वन यहां पर बी को मैंने कंपेयर किया टू से तो यहाँ पे एक मैपिंग मैंने बनाई बीच में बी कॉमा टू डी को मैंने कंपेयर किया फोर से तो यहां पर एक मैंने, मैंने मैपिंग बनाई डी कॉमा फोर यहां पर एक मैंने सी को कंपेयर किया थ्री से तो एक मैपिंग मैंने कौन लिखी सी कॉमा थ्री ये एक मैं मैपिंग कंसिडर कर रहा हूं अब मुझे यह चेक करना है कि अगर इस टाइप की कोई भी मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है तो ये दो लेटेस्ट जो है वो ईच अदर हैं या नहीं है तो यहां पे देखो कि मेरी कंडीशन मैंने क्या बताया था कि अगर मेरी यह कंडीशन फुलफिल कर रही है कि अगर सपोज करो दो एलिमेंट मैंने लिए बी और सी तो मैं ये अगर कंडीशन लिख रहा हूं कि एफ ऑफ बी एंड सी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ सी ये कंडीशन मेरी फुलफिल कर रही है ये दोनों चीजें अगर इक्वल हैं तो मैं क्या कहूंगा सिमिलरली एक दूसरी कंडीशन जैसे यहां पर मैंने एंड के लिए लिखी हुई है सिमिलरली एक मैं कंडीशन और के लिए लिखूंगा और अगर ये दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल करती हैं तो मैं क्या कह दूंगा दीज टू लेटेसिस आर आईसोमोर्फिक टू ईच अदर तो यहां पर देखो बी और सी को जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो बी और सी के करोस्पॉडिंग बी और सी ठीक है और एंड जो बताया था मैंने वो मुझे कब मिलता है नीचे जाने पर तो तो मैं इसके क्या फाइंड आउट करूंगा बी और सी के लोअर बाउंड तो लोअर बाउंड के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा उनका मीटिंग पॉइंट तो मीटिंग पॉइंट के लिए मुझे बी और सी अगर मैं लेता हूं और उनका मीटिंग पॉइंट मुझे कहां आते के मिलता है ए पर तो ये मेरा एफ ऑफ बी सी जो है वो वास्तव में क्या है एफ ऑफ ए के इक्वल है ठीक है और एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ सी ठीक है अब यहां पर मैंने किससे कंपेयर कर रखा है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू तो जो, जो है वो मेरी क्या है क्योंकि a को a की मैपिंग किससे है मेरी वन से है तो ये वैल्यू मेरी क्या है वन है और एफ ऑफ बी की वैल्यू जो है वो मेरी क्या है एफ ऑफ बी की वैल्यू जो है वो मेरी क्या है एफ ऑफ बी की वैल्यू मेरी टू है जो मैपिंग से मिलेगी मुझे ये टू है एंड एफ की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी थ्री अब यहां पर देखो कि टू एंड थ्री टू एंड थ्री का मतलब क्या हुआ कि इसको मैं यहां पर टू और थ्री मेरे कहां पर मीट कर रहे हैं टू और थ्री मेरे कहां पर मीट कर रहे हैं तो टू और थ्री मेरा मीट कर रहा है कहां पर ए वन पर तो ये क्या आएगा टू और थ्री का मीटिंग पॉइंट ठीक है क्योंकि मैंने बताया कि जब दो एलिमेंट मेरे इस टाइप के हैं जिनके बीच में कनेक्शन नहीं है तो मीटिंग हूं से मिलेगा. मेरा क्या है? तो ये दोनों इक्वल है, है. मीटिंग पॉइंट ये, ये तो के लिए जब मैं ज्वाइनिंग पॉइंट के लिए फाइंड आउट करूंगा या मैं कहूं कि मैं उनके लिए एल यू बी फाइंड आउट कर रहा हूं ये क्या है एल यू बी

और टू और थ्री के बीच का ज्वाइनिंग पॉइंट मुझे कब मिलेगा वो ऊपर जाने पर मिलेगा तो टू और थ्री का ज्वाइनिंग पॉइंट मुझे क्या मिलेगा फोर तो ये टू और थ्री के बीच का पॉइंट मुझे क्या मिल गया तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये कंडीशन और दूसरी कंडीशन मेरी ये है ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूं एल वन एंड एल टू आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की डेफिनेशन क्या है ए लेटेस्ट एल इज कॉल डिस्ट्रीब्यूटिव ए फॉर एनी एलिमेंट ए बी सी ऑफ एल इट इट्सफाईड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मुझे डेफिनेशन पता है कि अगर कोई से भी थ्री एलिमेंट्स में लेता हूं और उसमें से ये डिस्ट्रीब्यूटिव uh, लेटेस्ट uh, uh, की प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल करती है तो उस लेटेस्ट को हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट ए एंड बी और सी दिस मस्ट बी इक्वल टू ए एंड बी और ए एंड सी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी मेरी इसको मैं कहता हूं एंड अंडर अंडर और और इसको मैं क्या कहता हूं और अंडर एंड ठीक है तो यहां पर ए एंड बी और सी की वैल्यू क्या होगी ए एंड बी और ए एंड सी ए जो वैल्यू है इसको मैंने बी के साथ और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया सिमिलरली जब यहां पर ये यह और है तो और साइन के साथ मैंने बी के साथ इसे डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए और बी आ गया ये पॉइंट मेरा एज इट इज यहां पर आ गया और ए और को मैंने सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए और सी अगर ये दो प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल कर रही है तो मैं क्या कहूंगा कि वो लेटेस्ट जो है वो मेरी किस टाइप की है डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट है जित, लेटेस में मेरे पास जितने भी पॉइंट्स हैं क्योंकि एक लेटेस्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए एटलीस्ट मेरे पास थ्री एलिमेंट्स होने चाहिए जब मेरे पास ये थ्री एलिमेंट्स हैं ए बी सी और तभी मैं यह प्रॉपर्टी को चेक करके देख सकता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है ठीक है तो यहां पे कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि द पावर सेट सेट पी एस एस ऑफ द अंडर द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन सिंस ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी दूसरी क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी फॉर एनी सेट ए बी सी अगर मैं पॉवर सेट की बात कर रहा हूं और उसमें से मैं कोई से भी थ्री सेट लेता हूं तो मैंने बताया था आपको लेटेस्ट की डेफिनेशन जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि उसमें जब भी मुझे यूनियन और इंटरसेक्शन की हेल्प से ही मैं फाइंड आउट कर लेता हूं कि एल यू बी और जी एल बी कौन कौन से एलिमेंट हैं तो उसमें मैं चेक कर सकता हूं कि जितने भी एलिमेंट्स मेरे हैं उन सभी के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल करती है तो वो जो मेरा एक पावर सेट है पी एस वो मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का एक अच्छा एग्जांपल भी है वो मेरी क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है ठीक है तो वो पी पी ऑफ एस या पावर सेट ऑफ एस ए बी सी थ्री एलिमेंट्स के लिए जो हमने देखा था वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस भी है ठीक है यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं द लेटेस्ट सोन इन फिगर इज इट distributive प्रॉपर्टी फॉर ऑल ऑर्डर triples विच आर टेकन फ्रॉम वन टू थ्री एंड फोर अगर यहां पे ये जो मेरी जो मैंने यहां पे ले रखा है मुझे ये चेक करना है कि ये जो मेरी लेटेस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है तो मैंने क्या बताया था कोई से भी आई द ट्रिपल ट्रिपल मीनस के कोई से भी थ्री एलिमेंट्स मुझे फाइंड आउट कर दिया क्योंकि थ्री एलिमेंट्स मुझे चाहिए ही चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की प्रॉपर्टी अगर फुलफिल करनी है तो मुझे थ्री एलिमेंट चाहिए ए बी सी तो यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं फोर वन टू थ्री फोर तो वन टू थ्री फोर में से मैं कौन से एलिमेंट लूँ जिसके लिए मैं ये इजीली तरीके से फाइंड आउट कर लूंगा कि ये पर्टिकुलर लेटेस्ट जो है वो मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव uh, है या नहीं है तो उसके लिए सिंपल सा एक कंसेप्ट हम ये यूज करेंगे उसमें से एटलीस्ट मैं कुछ क्योंकि अगर एक ही पाथ के एलिमेंट लेता हूँ जो ऑलरेडी सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं तो वो हमेशा मेरे डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की प्रॉपर्टी को फुलफिल करते दिख जाएंगे क्योंकि एक ही पास में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए एल यू बी और जी एल बी मैं मैक्सिमम मिनिमम से फाइंड आउट कर लेता हूं और उसमें वो हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम कोई कोई से भी दो एलिमेंट में कंपेयर करूंगा तो एक मैक्सिमम और एक मिनिमम होगा तो वो इजिली वो मेरी ये पता ऐसा लगेगा कि वो पर्टिकुलर लेटेस्ट जो है वो मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव है लेकिन ऐसे कंसेप्चुअल क्योंकि जितने भी उसमें थ्री एलिमेंट्स ले रहा हूँ उन सभी के लिए ये प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए तो हम कुछ ही पर्टिकुलर कौन कौन से मैं सेट ले लूं जिससे मैं अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लूं कि पर्टिकुलर कोई लेटेस्ट जो है वो मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है तो ऐसे एलिमेंट्स उसमें मैं कुछ एलिमेंट्स ऐसे जरूर लूंगा जिनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है ठीक है अगर मैं यहां की बात करूं इस पर्टिकुलर फिगर की तो यहां पर सपोज करो मैं ये थ्री एलिमेंट लेता हूं टू थ्री एंड फोर टू थ्री एंड फोर तो यहां पर एक जगह सपोज करो ए एलिमेंट को मैं टू कहता हूं बी एलिमेंट को मैं थ्री कहता हूं और सी एलिमेंट को मैं क्या कहता हूं फोर ये थ्री एलिमेंट के लिए थ्री एलिमेंट क्यों लिए हैं मैंने क्योंकि टू और थ्री के बीच में डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं है मेरे पास ठीक है तो इस तरह के मुझे एलिमेंट फाइंड आउट कर दिया क्योंकि सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करना तो कठिन है कि जितने भी ट्रिपल्स हैं उन सब के लिए मैं चेक करूं तो इसलिए मैं कुछ पर्टिकुलर सेट ऐसे लेकर देखता हूं कि अगर उसमें वो अगर लेटेस्ट है तो फिर मैं कह दूंगा कि वो पर्टिकुलर लेटेस्ट uh, की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है तो मैं कह दूंगा कि ये पर्टिकुलर जो uh, मेरे पास uh, ये जो लेटेस्ट का फिगर है ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा ठीक है so, इसको हम कैसे चेक करेंगे कि यहां पर देखो मैंने क्या लिखा कि टू एंड बी की जगह मैं लिख रहा हूं थ्री थ्री सी की जगह फोर एंड दिस इज इक्वल टू ए टू एंड थ्री और टू एंड फोर ठीक है ये इस तरीके से मैं पहली वाली प्रॉपर्टी को देख रहा हूं कि ये ठीक है या नहीं है तो यहां पे मैं अगर ये दोनों चीज ये प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल कर रही है तो फिर मैं आगे की बात कर सकता हूं कि ये लेटेस्ट मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव होगी या नहीं होगी थ्री और फोर थ्री और फोर ये एलिमेंट मेरे कौन से हैं ये थ्री और फोर इसमें से जब मैं ये थ्री एल यू बी फाइंड ये मेरा ये कौन सा है और और जो है वो मेरा क्या होता है और जो है वो मेरा क्या होता है एल यू बी ठीक है एल यू बी और एंड जो है और को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं एंड मेरा ये है और ये क्या होता है मेरा जी एल बी एंड मेरा कौन सा है जी एल बी अपर बाउंड और लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उंड और ठीक है तो जब मैं ये अगर मैं कहता हूं थ्री और फोर थ्री और फोर तो थ्री और फोर में से क्योंकि ये दोनों एलिमेंट मेरे एक ही पास ये दोनों कनेक्टेड एलिमेंट हैं और जब कनेक्टेड एलिमेंट मेरे इस टाइप के हैं तो फिर मैं मैक्सिमम और मिनिमम से फाइंड आउट कर सकता हूं कि इसमें से कौन सा मेरा मैक्स है कौन सा मिनिमम है तो टू ये एंड और थ्री और फोर थ्री और फोर में जो मेरा मैक्सिमम है वो कौन सा है क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड अपर बाउंड ठीक है और जब मैं तो थ्री और फोर में से मैक्सिमम कौन सा है मेरा फोर और यहां पे टू एंड थ्री टू एंड थ्री में से मिनिमम कौन सा है मेरा टू और टू एंड फोर में से मिनिमम कौन सा है मेरा टू टू एंड फोर में से मिनिमम कौन सा है टू और टू और टू में से दोनों का क्या है टू तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये कंडीशन मेरी फुलफिल कर रही है सिमिलरली मैं इसी तरीके से ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी है उसको भी चेक कर सकता हूं और मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूं क्योंकि इस केस में ये वो भी दूसरी जो आएगी मेरे पास वो भी सेम यही आएगी तो मैं कह सकता हूं कि ये पर्टिकुलर जो लेटेस्ट है वो मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट है Next, we have complement or complemented lattice. Let L be a bounded lattice with lower bound 0 and upper bound i. Let A be an element in L. An element x in L is called a complement of A if A or x equal to i and A and x equal to 0. एक कोई भी लेटिस को मैं कॉम्प्लीमेंट लेटिस कह सकता हूँ कि सबसे पहले तो वो बाउंडेड होनी चाहिए बाउंडेड का मतलब क्या है कि उसका लीस्ट एलिमेंट मेरा जीरो है और हाइएस्ट एलिमेंट मेरा कोई सा एक नंबर है जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ठीक है तो अगर मेरी लेटिस बाउंडेड ले, है तो फिर मैं बात आगे क्या करूँगा कि वो कॉम्प्लीमेंट लेटेस्ट है या नहीं है कॉम्प्लीमेंट लैटिस में क्या है कि मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और जब मैं उन सभी का कॉम्प्लीमेंट लैटिस एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरी क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि ए और एक्स इक्वल टू आई होना चाहिए और ए एंड एक्स इज टू क्या होना चाहिए जीरो दैट मीन्स कि जो मेरा अगर मैं एंड और एक किसी भी एलिमेंट का एक ele, दूसरा एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट है जब उनका और ऑपरेशन और एंड ऑपरेशन में मुझे क्या मिल रहे हैं बाउंडेड एलिमेंट्स मिल रहे हैं ठीक है तो यहां पर बाउंडेड एलिमेंट्स मेरे कौन से हैं आई और जीरो तो ये एलिमेंट अगर मिल रहे हैं तो मैं कह दूंगा कि पर्टिकुलर जो लेटेस्ट है वो मेरी कॉम्प्लीमेंट लेटेस्ट है अब यहां इस पे इस फिगर पर देखो डिटर्मिन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड सी इन द फिगर जो फिगर है मुझे उसमें से कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है ए और सी के लिए तो यहां पर देखो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डी ए और अगर मैं कह रहा हूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट डी है ए का कॉम्प्लीमेंट डी है तो ए और डी का जो मेरे पास ज्वाइनिंग पॉइंट है वो क्या मिलेगा मुझे आई मिल जाएगा और ए और डी का मीटिंग पॉइंट क्या मिल जाएगा वो मुझे जीरो मिल जाएगा ए अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों मेरे ए का कॉम्प्लीमेंट डी है या डी का कॉम्प्लीमेंट ए है तो उसके कॉस्पॉन्डिंग मुझे एल यू बी और जीएल मुझे क्या मिलना चाहिए वन और जीरो मिलना चाहिए वो मुझे यहां पर मिल रहा है ज्वाइनिंग पॉइंट से मैं यहां पर आई पे पहुंच जाऊंगा और मीटिंग पॉइंट से मैं जीरो पर पहुंच जाऊंगा तो मैं कह दूंगा कि ए और डी जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं ठीक है अब मैं ये कह रहा हूं कि सी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट सी सच दैट सी के साथ कोई सा सी अगर मैं कहूं कि सी और बी कॉम्प्लीमेंट हैं, तो यहां पर जो मेरे पास लेबल को भी देख के मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि सी दोनों कनेक्टेड हैं और यहाँ पर ये बी का लेवल जो कम है तो जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है वो बी और सी ही हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं सी के करस्पॉन्डिंग डी की बात करूँ कि डी इसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है तो इसका मीटिंग पॉइंट मुझे आई मिलेगा और मीटिंग पॉइंट मुझे बी मिलेगा जबकि मुझे क्या चाहिए बन और जीरो ठीक है सी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं कहता हूं कि सी और ए जो है वो सी और ए जो है वो मेरा सी uh, के करोस्पॉडिंग ए को मैं अगर कह दू कि ये मेरा कॉम्प्लीमेंट uh, हो सकता है तो इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम ए मिल जाएगा मैक्सिमम सी ही मिल जाएगा तो यहाँ पर भी मुझे जो मेरा ज्वाइनिंग पॉइंट और मीटिंग पॉइंट जो है वो वन और जीरो नहीं मिल रहा है तो मैं क्या कहूँगा कि सी जो है उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा या मैं ऐसा एक भी एलिमेंट फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि जिसके लिए मुझे ये मिल जाए कि जॉइनिंग पॉइंट मेरा आई आ जाए और मीटिंग पॉइंट मेरा क्या आ जाए जीरो इस टाइप की कोई से भी पेयर मेरा सी के साथ नहीं बन पा रहा है तो सी के क्रॉसपोर्डिंग सी का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और अगर कोई भी एलिमेंट मेरा ऐसा है पूरे फिगर में मेरे पास कोई सा भी एकर, अगर एलिमेंट मेरा ऐसा है जिसके कोरस्पिट मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल पा रहा है तो फिर मैं उस लेटिस को कॉम्प्लीमेंट लेटिस नहीं कहूंगा कॉम्प्लीमेंट लेटिस भी एलिमेंट्स हैं मेरे पास उन सभी का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए नेक्स्ट इज मॉड्यूलर लेटेस्ट मॉड्यूलर लेटिस की कंडीशन क्या है कि ए लेटिस एल एंड और इज कॉल्ड मॉड्युलर लेटेस इफ ए और बी एंड सी इक्वल टू ए और बी एंड सी यहां पर इन दोनों में देखो कि ये जो कंडीशन लिखी हुई है और एक कंडीशन मेरी क्या है कि इज लेस लेस देन देन होना होना इक्वल टू चाहिए ये मेरी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए एक तो दूसरी पहली कंडीशन तो ये है कि ये इस टाइप की कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए और इसी के साथ क्या लगा हुआ है ए मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू सी ठीक है अब यहां पर ये कंडीशन जो मेरी है मॉड्यूलर लैटिस की ये दिखने में कुछ कुछ मुझे किस टाइप का लगता है कि ये मेरी कंडीशन जो है वो एसोसिएटेबिलिटी टाइप की है लेकिन एसोसिएशन वाले में ये दोनों ऑपरेटर मेरे जो है वो सेम होते हैं यहां पर दोनों ऑपरेटर जो है वो मेरे डिफरेंट डिफरेंट हैं तो इसलिए मॉडुलर लेटेस की जो कंडीशन है वो आपकी एसोसिएटिविटी की कंडीशन से लिटिल बिट डिफरेंट है ठीक है तो यहां पे ये दोनों जो ऑपरेटर मेरा डिफरेंट डिफरेंट है अदरवाइज इनमें केवल मैंने एसोसिएशन ही चेंज किया हुआ है यहां पे पेरेंथेसिस की पोजीशन जो है वो बी और सी के साथ है यहां पर ए और बी के साथ है ठीक है और दूसरे इसके साथ एक और कनेक्टिविटी क्या है कि ए मस्ट बी अगर मेरे पास इस टाइप की कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए और ए मस्ट बी लेस देन एड इक्वल टू सी होना चाहिए यह कंडीशन भी मेरी फुलफिल करनी चाहिए तो यहां पर मुझे ये एक पेंटागॉन दिया हुआ है और पेंटागॉन से मुझे ये ये फाइंड आउट करना है कि ये जो है है कि जो वो मॉड्यूलर या नहीं है तो यहां पर इसी तरीके से क्योंकि जैस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट की बात करी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट में कोई प्रॉपर्टी अगर मुझे फुलफिल करानी है तो मुझे थ्री एलिमेंट्स चाहिए चाहिए ट्रिपल मुझे चाहिए चाहिए एटलीस्ट एक ट्रिपल ट्रिपल्स में ट्रिपल्स मतलब तो थ्री एलिमेंट्स मुझे चाहिए ही चाहिए तभी तो मैं डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस को फुलफिल करके देख सकता हूँ वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है इसी तरीके से मॉडुलर लैटिस के लिए भी मुझे ट्रिपल्स की जरूरत पड़ेगी म, मतलब मुझे एटलीस्ट थ्री एलिमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए ठीक है तो अब ये पेंटागॉन मुझे दिया हुआ है तो ये मुझे चेक करना है कि मॉडुलर लैटिस है या नहीं है तो फिर मैं क्या चेक करूंगा कि इसके में कोई से भी थ्री एलिमेंट्स ले लूंगा तो यहां पे फिर से मैं वही वाली बात करूंगा जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड लेटिस्ट में कही थी कि जो थ्री एलिमेंट्स मुझे सेलेक्ट करने चाहिए वो कुछ इस टाइप के करने चाहिए जिसमें मुझे कुछ ऐसे पेयर भी मैं ले लूं जिनके बीच में आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन अवेलेबल नहीं है डायरेक्ट पाथ कोई अवेलेबल नहीं है ठीक है क्योंकि एक पाथ की अगर मैं कोई से भी एलिमेंट्स ले लूंगा तो उनके लिए जीएल और एल हमेशा एग्जिस्ट कर जाता है और मुझे मेनली ये फाइंड आउट करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो उस पर मेरी आ, आई जो है वो ज्यादा कैचिंग catch, होनी चाहिए कि इस टाइप की कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है ठीक है तो यहां पर मैंने लिखा ये इस कंडीशन को लेफ्ट हैंड साइड ए और बी एंड सी अब यहां पर देखो बी एंड सी बी एंड सी का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का मुझे क्या देखना है मीटिंग पॉइंट मीटिंग पॉइंट बी एंड सी का जो मेरा मीटिंग पॉइंट है वो क्या आएगा मेरा जीरो क्योंकि ये बी और सी नीचे जाने पर कहाँ मिलेंगे वो केवल जीरो पे ही आके मिलेंगे अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ बी वाले पास से और सी वाले पास की तरफ से तो जीरो पे मेरे ये एलिमेंट्स जो है वो मिल जाएगा तो ये यहाँ पे क्या आ गया बी और सी की जगह मैंने क्या रख दिया ये जीरो अब मेरे पास क्या आ गया ए और जीरो ए और जीरो में से यहाँ पे ये मेरा क्या है और और का मतलब क्या होता है मेरा एल यू बी और एल यू बी का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे दो एलिमेंट को मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी इन में से जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरा आ जाएगा तो जीरो और ए में से मैक्सिमम कौन सा है ए तो ये यहां पे क्या आ गया ए सिमिलरली जब मैं राइट हैंड साइड ए और बी एंड सी को कैलकुलेट करता हूं ए और बी एंड सी तो ए और बी ए और बी देखो मेरे ये दोनों एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है ठीक है तो जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं ज्वाइनिंग पॉइंट और मीटिंग पॉइंट इस केस में मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहां पर क्या है ए और बी और का मतलब क्या होता है कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है ज्वाइनिंग पॉइंट और का मतलब क्या है ज्वाइनिंग पॉइंट ज्वाइनिंग ठीक है तो ए और बी का ज्वाइनिंग पॉइंट मुझे कहां पे मिलेगा वो वन पर मिलेगा ए और बी कहां पे ऊपर जाके ज्वाइन करेंगे वो वन पर कर रहे हैं तो यहां पर मेरा क्या आ गया ए और बी की जगह मैंने क्या रखा वन एंड सी वो एज इट इज मेरा आ गया अब ये वन एंड सी एंड का मतलब मेरा क्या होता है जी एल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मुझे किससे मिलेगा मिनिमम से ठीक है तो बन और सी में मेरा मिनिमम कौन सा है बन और सी में मेरा जो मिनिमम है वो क्या है सी तो यहां पे ये यह क्या आ गया सी तो यहां पर जब मैंने देखा कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है मेरी क्या कैलकुलेट होकर आई है ए और ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है क्या मेरी सी तो दैट मीनस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है जब वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं तो फिर मैं उसे क्या कहूँगा कि ये दोन ये लेटेस्ट या ये पेंटागॉन जो मेरे पास बना हुआ है ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट बहुत सॉरी मॉडुलर लेटेस्ट नहीं है ये मेरा मॉडुलर लेटेस्ट नहीं होगा ठीक है तो मुझे ये कंडीशन जब मुझे मॉडुलर लेटेस्ट चाहिए तो मैं थ्री कोई से कोई से भी थ्री एलिमेंट्स को लूंगा और मुझे उसमें से एलिमेंट्स को मैं हमेशा ये चीज़ ध्यान रखूंगा कि कुछ एलिमेंट्स मैं ऐसे ज़रूर लूँगा जो मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ठीक है नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट इज मॉड्यूलर एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट इज मॉड्यूलर तो यहां पर इसका प्रूफ देखो हम कैसे देखेंगे लेट एल बी द डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट एंड ए बी सी बिलोंग्स टू एल देन वी हैव टू शो इज लेस देन एंड इक्वल टू सी है डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट की जो मेरे पास कोई भी मॉड्यूलर लेटेस्ट है तो उसकी कंडीशन मेरे पास क्या होनी चाहिए कि ए मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू सी एक तो ए और सी के बीच में रिलेशन जो है वो क्या होना चाहिए मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू सी का होना चाहिए ठीक है और ये मॉड्यूलर लैटिस की मेरी डेफिनेशन कहती है कि ए और बी एंड सी मस्ट बी इक्वल टू ए और बी एंड सी और अगर ये ही लैटिस मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव भी है अगर ये लैटिस मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव भी है तो मेरी कंडीशन क्या बनेगी ए और बी एंड सी तो मैं ए ये वाला जो पार्ट है ए और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव कर बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूटिव करूंगा सी के साथ भी तो तो यहाँ पर जब मैंने ए और बी ए और बी मेरा एज इट इज बी के साथ भी आएगा और ए और बी जो है वो मेरा सी के साथ भी आएगा और मिड पॉइंट में जो मेरा इन दोनों के बीच में ऑपरेटर है वो मेरा यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा ठीक है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की डेफिनेशन कहती है कि ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए और अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट जो है मेरी मेरी मॉड्यूलर लेटेस्ट है तो फिर मेरी ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए तो अगर किसी भी तरीके से मैं ये शो कर दूं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट है वो मेरी मॉड्यूलरिटी वाली कंडीशन भी फुलफिल कर रही है तो मैं कह सकता हूँ कि एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेज इज मॉड्यूलर तो यहाँ पर देखो अगर मैं और मॉड्यूलर लेटेस्ट की और ये चीज़ मुझे दी हुई है कि ए मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू सी होना चाहिए अगर मेरा ए इज़ लेस देन एंड इक्वल टू सी है तो ए और सी को मैं कंपेयर कर सकता हूँ और जब मैं ए और सी को कंपेयर कर सकता हूं तो इसमें तो जब मैं ए और सी को कंपेयर करूंगा तो इसमें से जो भी मेरा मिनिमम होगा जो भी मेरा मिनिमम होगा क्योंकि तो अब मैं क्या चीज फाइंड आउट करूंगा ए अगर ए इज लेस इक्वल टू सी है तो मैं वहां पे क्या लिख सकता हूं ए और सी ए और सी क्योंकि तो यहां पर ए और सी के बीच में और की मैं बात कर रहा हूं तो डेट मीनस कि मैं किसकी बात कर रहा हूं एल यू बी की तो इन दोनों में से जो भी मेरा मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर आ जाएगा तो तो इन दोनों में से ए और सी में से कौन सा एलिमेंट बड़ा है ए और सी में से मेरा कौन सा एलिमेंट बड़ा है वो इस कंडीशन से पता चलेगा मुझे कि मस्ट बी लेस देन इक्वल टू है मतलब सी बड़ा एलिमेंट है सी बड़ा एलिमेंट है तो ए और सी की वैल्यू जो मेरी आ गई क्या आ गई सी ठीक है तो यहां पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट की कंडीशन है एक चीज मुझे ये पता है है। है, कि तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं सी क्योंकि तो इसको ये चीज क्या है का मतलब क्या है कि मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा सी इन दोनों में से इसको इसकी जगह ए इज लेस एंड इक्वल टू सी को अगर मैं लिखता हूं कि मैक्स ए c कौन सा है तो वो सी है और मैक्स ए कॉमा सी क्या चीज है एल यू बी है तो एल यू बी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं तो दैट मीन कि ए और बी की वैल्यू जो वो है वो क्या है वो सी है अगर ए और बी की वैल्यू मेरी सी है तो यहां पर यहां पर इस पर्टिकुलर ये जो पोजीशन है ए और सी की वैल्यू मुझे पता चल गई वो क्या है सी है जब ये वैल्यू मेरी सी है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट के अकॉर्डिंग इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ठीक है यहां पर ये क्या हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड का एज इट इज ये लिखा हुआ है ए और बी एंड सी जो मेरा ये लिखा हुआ है ठीक है और ए और बी एज इट इज यहां पर है और ए और सी की वैल्यू मेरी क्या आ गई सी वो यहां से आ गई ठीक है और ये जो कंडीशन है वो किसकी है ये मेरी मॉड्यूलरिटी की कंडीशन है ठीक है दैट so, स अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट है और मेरी ये कंडीशन फुलफिल कर रही है तो मैं कह दूंगा कि एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस इज मॉड्यूलर हमेशा ही ये कंडीशन फुलफिल होगी और जब हमेशा कंडीशन फुलफिल होगी तो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट है वो हमेशा मॉड्यूलर भी होंगी नेक्स्ट इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ लेटेस्ट लेट एल वन ऑर एंड एंड और दूसरी लेटेस्ट है मेरी एल टू एंड एंड और बी द टू लेटेज देन एल एंड और ऑर इज द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ लेट इज वेयर एल इज इकल टू एल वन क्रॉस एल टू इन विच द बाइनरी ऑपरेशन ज्वाइन एंड मीट ऑन एल आर सच दैट एनी ए वन कॉमा बी वन एंड ए टू कॉमा बी टू इन एल किस तरीके से कि अगर एक मेरी सपोज करो कोई भी एलिमेंट मेरा इस टाइप का है ए वन कॉमा बी वन ए वन कॉमन बी वन और दूसरा एलिमेंट का है मेरा ए टू कॉमा बी टू तो इन दोनों के बीच का जब मैं ये कहूँगा कि एल यू वी क्या होगा तो वो मेरा किस तरीके से कैलकुलेट होकर आएगा ए वन और ए टू और बी वन और बी टू सिमिलरली जब मैं एंड कैलकुलेट करूंगा इस टाइप के एलिमेंट्स के बीच में तो ए वन एंड ए टू और बी वन एंड बी टू इस टाइप से मेरे ये प्रोडक्ट कैलकु अगर दो लेटेस्ट uh, हैं और उसमें ए वन कॉमो बी वन और ए टू कॉमो बी टू इस टाइप के एलिमेंट्स हैं तो उनके एंड और और ऑपरेशन या एल यू बी और जी एल बी जो है वो मेरे इस टाइप से कैलकुलेट होकर आएंगे तो यहाँ पे सपोज कि मैं एक एलिमेंट ऐसा कहता हूँ कि ये वन कॉमर टू है वन कॉमर टू से जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा वन टू का तो जो मेरे पास फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे एल क्रॉस एल पर मेरे फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे और मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं कि उस टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए मेरा एल यू बी और जी एल बी एग्जिस्ट कर रहा होगा ठीक है तो ये चीज़ आसानी से फाइंड आउट की जा सकती है कि ये जो पर्टिकुलर अगर इस टाइप की कंडीशन है और जो मेरे पास रिलेशन है वो लेस देन एंड इक्वल टू का है तो वो इस टाइप की लेटेस्ट जो है वो मेरी हमेशा डायरेक्ट प्रोडक्ट भी हम लेटेस्ट का कैलकुलेट कर सकते हैं और वो भी हमेशा लेटेस्ट की कंडीशन को फुलफ़िल करेगा और उस वो आ, भी हम उसे भी क्या कहेंगे लेटेस्ट कहेंगे तो कोई भी मेरे पास दो लेटेस्ट है उनका प्रोडक्ट भी हमेशा लेटेस्ट लेटेस्ट ही हो कैलकुलेटर होकर आएगा और वो मेरी इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा होगा Thank you.